नमस्कार दोस्तों, आज ज़्यादातर बड़े आविष्कार जो हम जानते हैं वो इंडिया से बाहर दूसरे देशों के नाम हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए इंडिया के ऐसे 11 आविष्कार बताने जा रहा हूँ जो अगर शायद इंडिया के महान लोगों ने इन्वेंट नहीं किए होते तो जैसी कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी से लेस लाइफ हम लोग जी रहे हैं वैसी नहीं होती। तो हमें अपने इंडियन होने पर प्राउड फील करना चाहिए कि कैसे इंडिया ने हजारों साल पहले ही ऐसे आविष्कार कर दिए थे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो नंबर वन पे है जीरो। 5th century AD में इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने यह सोचा कि कुछ नहीं को डिनोट करने के लिए कोई साइन कोई नोटेशन होना चाहिए और जिसके कारण इन्वेंट हुआ जीरो। अगर आपको लगता है कि मैथ के यूज़ के अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि जीरो इस पूरी दुनिया से इसी समय हटा दिया जाता है, तो उसी के साथ साथ आपके हाथ से मोबाइल, आपका कंप्यूटर और इससे रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम है वो बनी होती है जीरो और वन से, और अगर जीरो चल जाएगा तो ना कंप्यूटर होगा ना मोबाइल होगा। तो आपको हमारी डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। सो नंबर टू पे है मेडिसिन। वैसे तो मेडिसिन में इंडिया ने कई सारे इन्वेंशन किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो हमें पता होना चाहिए वो है प्लास्टिक सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी। इंडियन फिजिशियन सुश्रुत संहिता, जिसे इंडिया के फादर ऑफ सर्जरी भी माना जाता है, उन्होंने अपने एक टेक्स्ट बुक में इसके ट्रीटमेंट, इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर के बारे में 6th century BC पहले ही बता दिया था। प्लास्टिक सर्जरी में नोज के रिकंस्ट्रक्शन और स्किन के एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। नोज के रिकंस्ट्रक्शन में माथे के चमड़े को यूज़ करते हैं, जिसे आज भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने सर्जरी में। कर्व्ड सर्जरी में उन्होंने कर्व्ड नीडल से अफेक्टेड आँख के लेंस को हटाने के बारे में बताया है। उन्होंने अपने इस नॉलेज का पूरा क्रेडिट आयुर्वेदिक मेडिसिन को दिया है, और इंडिया में आयुर्वेद जो है 5000 साल पहले से ही यूज़ किया जाता है, जो आज पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। सो तीसरा पॉइंट है शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू भी सबसे पहले इंडिया में ही बनाई गई थी। ये 1762 में नेचुरल ऑयल और हर्ब से बाल साफ करने और मसाज करने के लिए बनाया गया था। इसको चंपू भी कहा जाता था। जब ब्रिटेन हमारे यहाँ ट्रेडिंग के नाम से आए तो 1814 में उन्होंने हमसे सीख के अपने देश में जाके उसे मॉडिफाई करके उसे शैम्पू नाम दिया। सो चौथा पॉइंट है नेचुरल फाइबर। तो आज जो हम लोग इतने अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहन रहे हैं, ठंडियों में उलन कपड़े यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंडिया का ही देन। इंडिया ने 4th-5th century BC में ही कॉटन प्रोड्यूस करने लगा था। उसके बाद जूट और ऊल भी इंडिया ने ही प्रोड्यूस करने शुरू किए। मोस्ट फाइनेस्ट एंड एक्सक्लूसिव ऊल जिसका नाम कश्मीरी है, वो भी हमारे कश्मीरी रीजन में ही प्रोड्यूस होता है, जिससे हम उलन शॉल बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो पांचवा पॉइंट है चेस। वर्ल्ड का सबसे फेमस इंटेलेक्चुअल गेम चेस भी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। ये लगभग 6th century AD में गुप्ता एम्पायर में पॉपुलर हुआ था, जिसे उस समय चतुरंगा नाम से जानते थे। और भी कई सारे गेम हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी 13th century में और कबड्डी 1400-1500 BC में पॉपुलर हुआ था। सिक्स पॉइंट है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ के बारे में जान सकते हैं। इसका क्रेडिट भी हमारे इंडिया को ही जाता है। जब मार्कोनी जो इसके इन्वेंटर हैं, उन्होंने इंग्लैंड में डेमो दिया, उससे ठीक 2 साल पहले 1895 में सर जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो कम्युनिकेशन वेव प्रोड्यूस किया था। उन्होंने कलकत्ता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 75 फीट तक भेजा, जिसमें उन्होंने एक दीवार को क्रॉस किया और कुछ गन पाउडर को इग्नाइट किया। इतना रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो सातवां पॉइंट है योगा। आज योगा जो है पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज के लिए प्रसिद्ध है, जो 5000 साल पहले नॉर्दर्न इंडिया में प्रैक्टिस किया गया था। फर्स्ट योगा गुरु लॉर्ड शिवाजी को माना जाता है। इसके बारे में वेदास में भी लिखे हुए हैं, और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 21 जून को इंटरनेशनल योग डे घोषित कर दिया है, जिसके कारण इसे पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। सो आठवां पॉइंट है USB। इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय वी भट्ट ने USB पहली बार 1994 में बनाई थी, जो कि इंटेल में काम कर रहे थे। उन्हें यह आइडिया तब आया जब वो SD कार्ड से कुछ डाटा कंप्यूटर में शेयर करना चाहते थे। सो नौवां पॉइंट है रूलर। इंडिया में रूलर यानी कि स्केल 1500 BC पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय बनाया गया था। उस समय इसे हाथी के दांत से बनाया गया था। इस समय ये पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता। मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय 1.3 इंच यूनिट के स्केल पाए गए थे।
जिसके सब डिवीजन इतने प्रिसाइसली और एक्यूरेसी से बने हुए थे कि खोजकर्ता भी देख के हैरान रह गए थे। इसके सब डिवीजन 0.005 डेसिमल तक था। दसवां पॉइंट है फ्लश टॉयलेट। जी हाँ, फ्लश टॉयलेट भी इंडिया 5000 साल पहले ही यूज़ करने लगा था। ये हमें हड़प्पा और इंड्यूस वैली सिविलाइजेशन के घरों में बना हुआ पाया गया था। ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि इतनी अच्छी सेवेज सिस्टम उस समय कैसे बनाई गई होगी। इतनी सफाई से वॉशिंग प्लेटफॉर्म बनाना, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए गड्ढे बनाना, ईंट के बड़े बड़े पाइप से उसे जोड़ना, ये सब उस समय बने हुए थे जिसे हम आज मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है बटन। आज हम लगभग हर कपड़े में बटन यूज़ करते हैं। ये भी 5000 साल पहले इंडिया में बन गया था। उस समय इसे मेटल, सीसल और उड से बनाया जाता था और इसे ऑर्नामेंट, आभूषण के लिए यूज़ किया जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय इस बटन को पाया गया था जिसमें दो छेद होते थे जैसे कि आज के बटन में होते हैं। तो अगर आपको ये इन्वेंशन देख के ज़रा सा भी प्राउड फील हुआ हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल चीज़ें देखनी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इन्वेंशन आपको बहुत अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके अपने देश के इन्वेंशन के बारे में। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।